सीमा अ टैरो ग्रैंड मास्टर ई एफ टी प्रैक्टिशनर एनएलपी ट्रेनर लाइफ कोच एंड पास लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट आज मैं बात करने वाली हूं सूर्य नमस्कार के बारे में आपने तो सुना ही होगा योगा के अंदर सूर्य नमस्कार होता है जो हमारे बॉडी के एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करता है और हमारी जो एनर्जी का फ्लो है उसको बहुत ही सुंदर कर देता है लेकिन आज मैं उस सूर्य नमस्कार के बारे में बात कर रही हूँ जो बहुत ही लोग कम जानते हैं इवन जो रेकी चैनल है उनको भी इसके बारे में नहीं मालूम है जी हाँ आप देख रहे हैं अनुभूति और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए वीडियोज़ को रेकी चैनल्स के साथ ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ क्योंकि जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कहीं और मास्टर से सीख के आते हैं तब मुझे मालूम पड़ता है कि उन्हें सूर्य नमस्कार के बारे में मालूम ही नहीं है जबकि सूर्य नमस्कार इतना पावरफुल टेक्निक है हमें एनर्जाइज करने के लिए क्योंकि सोलर सिस्टम यानी सूर्य से ही हम इतना ऊर्जा ले सकते हैं जो कि हमें कहीं से भी मिल नहीं सकती है सूर्य एक ऐसी हमें दीवी ईश्वरी शक्ति है एक ऊर्जा का पिंड है जिसमें इतनी एनर्जी भरी हुई है कि पूरे ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स को देने के बाद भी उसकी एनर्जी उसकी वॉम्थ में कमी नहीं आती तो क्यों नहीं हम ऐसा रेकी चैनल अगर उससे हम ऊर्जा लें उससे एनर्जी लें और अपने आप को एनर्जाइज करें सेल्फ हीलिंग के साथ साथ तो हम हीलिंग अच्छे से कर पाएंगे और अपने अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी है जितनी भी नेगेटिविटी है जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम दूर कर पाएंगे इसको करते कैसे हैं इसको करने के लिए आप रेकी को इन्वोक करिए आप सूर्य का धन्यवाद करिए अपना धन्यवाद करिए रेकी का धन्यवाद करिए डॉक्टर मिकाउसी का धन्यवाद करिए और उसके बाद आप ये बोलिए एक प्रेयर बोलिए जिसके अंदर आप बोलिए कि आप विश्व की शांति की कामना कर रहे हैं आप यूनिवर्स की शांति की कामना कर रहे हैं आप इस देश की शांति की कामना कर रहे हैं और आप जिस स्टेट में हैं उसकी कामना कर रहे हैं उसके बाद आप अपने घर की शांति की कामना कर रहे हैं और उसमें तो आप खुद ही आ जाते हैं अपने आप और उसके बाद अब अपने बारे में बात करेंगे अब करना क्या है हमें दोनों हाथों को खोलना है लेफ्ट हैंड को नीचे रखना है लेफ़्ट uh, हैंड को हम खोल के रखेंगे सॉरी और राइट right हैंड को हम नीचे रखेंगे यानी हम रिसीव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड तो से और राइट हैंड से हम अर्थिंग कर रहे हैं इस तरीके से हाथ रखेंगे और आंख बंद करके महसूस करेंगे सूर्य की सारी ऊर्जा हमारे भीतर डाउनलोड हो रही है जब हम हाथ इस तरीके से रखेंगे हम सोचेंगे हम इस चीज़ को बार बार अपने अंदर दोहराएंगे कि हम ओजस्वी हो रहे हैं हम तेजस्वी हो रहे हैं जो भी सूर्य के गुण हैं आपके भीतर प्रवाहित हो रहे हैं जैसे सूरज का जीवन प्रकाश में है वैसे ही हमारा जीवन भी प्रकाश में हो रहा है हम दूसरे के जीवन में रोशनी दे रहे हैं उसको रास्ता दिखा रहे हैं जब हम इस तरीके से अपने शरीर के अंदर सूर्य को ऊर्जा को प्रभावित होता महसूस करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे शरीर के सारे रोग शोक बीमारियां सब कुछ गायब हो चुकी हैं हम बहुत ही सुंदर और स्वस्थ हो चुके हैं हम जहां जाते हैं हमारा नाम हमारी शोहरत फैलती जा रही है क्योंकि सूर्य चीज़ ही ऐसी एक अकेला सूर्य में इतनी कैपेसिटी होती है कि पूरे वर्ल्ड को हील कर सके पूरी दुनिया को रोशनी दे सके वैसा ही जीवन तो हम चाहते हैं और कितनी ही बीमारियाँ सूर्य में बैठ के ठीक हो जाती है तो जो भी आपको सूर्य के गुण उस समय याद आते हैं वो प्रे करिए और अपने अंदर उतारिए जब आपके हाथ इस तरीके से जितनी देर आप कर सकें मैक्सिमम उतनी देर करिए उसके बाद आप सारी ऊर्जा को रब करके अपने ऊपर पूरे शरीर के अंदर फैला लीजिए इस तरीके से आप इसको दो मिनट तीन मिनट पाँच मिनट जब तक आपका मन करता है तब तक आप कर सकते हैं आप देखेंगे कुछ ही दिनों में यानी 21 दिन तो आप करिए ही और आपको रोज़ी करना चाहिए आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है आप कितने तेजस्वी हो जाते हैं आप जहाँ जाते हैं आपका और कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है आप जिधर भी जाते हैं आपका प्रभाव पड़ता है आपकी मुस्कुराहट आपका बोलने का अंदाज बदल जाता है आपके करने से आपके जीवन में जो रोशनी आएगी आप वही तो दूसरों को दे पाएंगे अगर आप अंधेरे में हैं आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप क्या देंगे जो हमारे भीतर है वही तो हम बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं तो ज़रूरत है हमें अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी एक वार्म की एक हीलिंग लाइट की जो हमारे जीवन को तो अच्छा करेगा ही और जिसकी भी हम हीलिंग करेंगे उसका जीवन भी अच्छा हो जाएगा तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9820127053 और अगर आप इसके बारे में कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग अनुभूति थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर